हेलो सो एच के वीडियो लेक्चर ट्वेल्व में हम देखेंगे व्हाट इज़ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म सो मिन टर्म क्या होती है इट इज़ अ टर्म विच इज़ प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म सो ईच इंडिविजुअल टर्म इन दिस स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म इज़ कॉल्ड मिन टर्म कि एक स्टैंडर्ड एस फॉर्म में जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको हम बोलते हैं मिन टर्म तो जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं वाई इज इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी ये एक्सटैंडर्ड एस ओ पी फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट टर्म के अंदर आपके सारे लिटरल्स प्रेजेंट हैं सो so, अब देखो इसमें ये जितना है ये ये और ये ये सब आपकी क्या हैं मिन टर्म्स कहलाती हैं तो जब हम एस ओ पी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं मिन टर्म और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से ठीक है सो दिस इज टर्म देन मैक्स टर्म किस में होती है मैक्स टर्म जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड पी ओ एस की सो ईच इंडिविजुअल टर्म इन दिस स्टैंडर्ड पी ओ एस फॉर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म ठीक है so, सो इसका भी एक एग्जाम्पल अगर हम सिंपल सा लिखें सपोज वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार तो स्टैंडर्ड पीयूएस है क्योंकि हर एक टर्म के अंदर हरेक सम टर्म के अंदर सारे लिटल्स प्रेजेंट हैं सो ये जो कहलाएंगी ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये कहलाएंगे आपकी मैक्स टर्म्स ठीक है सो मैक्स टर्म्स की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे पी ओ एस की और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से ठीक है सो दिस इज मिनटम एंड दिस इज मैक्सटम सो अब एक सिंपल सा हम देखते हैं कि किसी आ, एक ट्रुथ टेबल के अंदर कि कैसे हम मिनटम और मैक्सटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो so, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं वी हैव टू वेरिएबल्स ए एंड बी सो अब देखो इसमें कैसे लिखेंगे अगर ए जीरो है बी जीरो है तो मिनटम मिनटम की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं याद रखना हम बात कर रहे हैं किसकी स्टैंडर्ड एस ओ पी एस एस ओ पी की ठीक है सो कैसे लिखेंगे इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे याद रखना सो so, अगर ए ज़ीरो डेट मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट सो ए बार प्रोडक्ट करना है बी बार ठीक है ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा ए बार बी ए बी बार ए ठीक है कैसे लिखा हमने अब देखो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको भी आ, आपको पता होना चाहिए सिंपल एम आई लिख रहे हैं तो दिस इज एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री सो जब हम के मैप्स देखेंगे तब आपको ज्यादा पता लग गया कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं ये जो एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री वहाँ पर हम के मैप को फिल करते हैं देन मैक्स टर्म मैक्स टर्म की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं स्टैंडर्ड पी ओ एस की ठीक है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और अब यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा यू हैव टू यूज़ प्लस बट एक चीज़ हमेशा याद रखना आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो इसमें कॉम्प्लीमेंट होता है वो इसमें नहीं होगा दैट मीन्स जीरो जीरो का मतलब मैक्स टर्म में क्या होगा ए प्लस बी याद रखनी है आपको इस चीज को सो so, इसमें क्या होगा ये जीरो वन के लिए क्या होगा ए प्लस बी बार वन जीरो के लिए क्या होगा ए बार प्लस बी वन वन के लिए क्या होगा ए बार प्लस बी बार इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से एम जीरो एम वन एम टू एम थ्री सो बेसिकली होता क्या है जब हम एसओपी की बात करते हैं के मैप में तो हम वन की बात करते हैं जहां जहां वन है हम उसको लेते हैं ग्रुपिंग के लिए आगे, आगे आपको क्लियर होगा जब हम पीओ एस की बात करते हैं तब हम जीरो को लेते हैं फॉर ग्रुपिंग पर्पज सो इस तरह से आपको इसको याद रखना है ठीक है सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू रिप्रेजेंट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन विद देल्प ऑफ मिनटम्स एंड Max terms. So, this is all. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.